बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा कोरोना वायरस वबा की वजह से क्या हम लोग अपनी मस्जिदों के अंदर एक से ज़्यादा जुमे की नमाज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो देखिए, जहाँ तक एक से ज़ायद जुमे की नमाज़ करने का ताल्लुक है, तो एक से ज़ायद जुमे की नमाज़ करना जो है वो मकरूह है। इससे हम लोगों को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जगह की तब्दीली के साथ दो जमातें हो जाएंगी, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये जो जगह की तब्दीली है, इससे मुराद ये है कि पहले इमाम ने जिस जगह से इमामत की थी, तो अब जो दूसरी जमात का इमाम जो है वो जब इमामत करे तो वो उस जगह से हटकर खड़ा हो। मतलब पहले जो इमाम ने जुमे की नमाज पढ़ाई थी, उस जगह को छोड़कर दूसरा इमाम जो है वो जुमे की नमाज पढ़ाए, मतलब जगह को तब्दील कर ले। तो अगर हम लोग इमाम अबू यूसुफ के इस कॉल पर अमल करते हुए मस्जिद में जुमे की एक से ज़्यादा जमात इस तरह रखें कि पहली जमात के इमाम जिस जगह खड़ा हुआ हो, तो दूसरी जमात का जो इमाम है वो इससे एक सफ पीछे खड़ा हो, तो इससे हमारी जुमे की नमाज हो जाएगी। मतलब इसका खुलासा ये है कि अगर हम इस वबा की वजह से और मस्जिद में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से मस्जिद में दो या तीन जुमे की नमाज कर लें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल जुमे की नमाज हो जाएगी। बस हम लोगों को इस चीज़ पर अमल करना है और इस चीज़ को याद रखना है कि जिस जगह पर पहले इमाम ने जुमे की नमाज अदा करी है, उस जगह पर दूसरा इमाम जो है वो जुमे की नमाज की इमामत ना करे, उस जगह से हटकर दूसरे जुमे की इमामत करे। उम्मीद है आप इस पूरे मसले को बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे।